इतना गंदा कर रखा है। मैं हमेशा तुमसे कहती हूँ, तुम दोनों खुद अपना कमरा साफ किया करो। जब तक ये कमरा साफ नहीं होता, तुम्हें स्नैक्स नहीं मिलने वाले। मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है। जल्दी जल्दी सफाई करो नोबिता, वरना मॉम और नाराज हो जाएंगी। ये तुम क्या कर रहे हो नोबिता? अपना काम मुझ पर मत डालो, समझ गए? ये क्या है, तुम उदास क्यों लग रहे हो? इस जूते से यादें जुड़ी है। जब भी मुझे उन पलों की याद आती है, तब मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ डोरेमोन। लेकिन ये जूता है किसका? ये जिसका जूता है उसका नाम, उसका नाम नॉनचैन है। उसके बाल भूरे हैं, देखने में लगता है कि वो किसी दूसरे देश से आई है। वो अपने मॉम के साथ हमारे पड़ोस वाले घर में रहती थी। ये तब की बात है जब मैं नर्सरी स्कूल में पढ़ा करता था। मुझे थोड़ी देर हो गई, ये लो तुम्हारा खाना। ये लो खा लो। हाथ खाने में ब्लेड है, तलो खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ आओ मेरी प्यारी गुड़िया, क्या तुम्हें भूख लगी है? मेरी प्यारी गुड़िया। ठीक है, अब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। संभल कर जाना। अरे एक मिनट रुको, ये रहा तुम्हारे लिए लंच। लेकिन ये तो तुम्हारा नाश्ता है। कोई बात नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। तुम्हें केले पसंद है ना नोबिता? हाँ, सूख लिया, अब मैं चलता हूँ। बहुत अच्छी लड़की थी। मैं जा रहा हूँ। संभल कर जाना। हाय नोबिता, तुम नॉनचैन के साथ पूरा दिन सिर्फ घर ही खेलते रहते हो। नोबिता तो सिर्फ नॉनचैन के साथ ही खेलता रहता है। ऐसा नहीं है। तुम मुस्कुरा भी रहे हो, तुम शर्मा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर यही सच है तो फिर उसे अभी जाकर परेशान करो। क्या नहीं कर सकते ना? मुझे पता था तुमसे नहीं होगा। तुम तो जल्दी आ गए। आज खाने में मैंने बर्गर बनाया है। क्या हुआ तुम्हें? इसे गरम गरम खा लो, अच्छा लगेगा। तुम क्या कर रहे हो नोबिता? जल्दी करो नोबिता। क्या हुआ, जल्दी कुछ करो ना। चलो अपनी हिम्मत दिखाओ नोबिता। बहुत अच्छे, उसका जूता लाओ। बहुत अच्छे नोबिता। शाबाश नोबिता, भागो यहाँ से। मुझे ज्यादा अच्छे से याद नहीं है कि उसके बाद मैंने पूरे दिन में क्या किया था। ये लो। ठीक है। अंधेरा हो रहा था, लेकिन मुझे घर जाने से डर लग रहा था, क्योंकि मुझे लगा नॉनचैन ने मेरी शिकायत कर दी होगी कि मैंने उसे परेशान किया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नॉनचैन ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। आप दोनों आ गए, आइए बैठ जाइए। आज खाने में मैंने बर्गर बनाया है।
अगले दिन से नॉनचेयर ने बाहर आना बंद कर दिया था। वो बहुत बीमार हो गई थी। फिर एक हफ्ता गुजर जाने के बाद जब मैं स्कूल आ रहा था तब पता लगा कि नॉनचेयर का परिवार शिफ्ट हो गया है। नोबिता के दादाजी उन्हें लेने आए और एक बड़ी जहाज में बैठकर उन्हें किसी दूसरे देश ले गए थे। नॉनचेयर का घर खाली था और वहाँ कोई भी नहीं था। हमेशा से मुझे ऐसा ही लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया। मुझे उसे ये वापस करना था और माफी मांगनी थी और उसके जाने से पहले गुड बाय भी कहना था। कोई बात नहीं, तुम चाहो तो अभी चलते हैं। ये कैसे मुमकिन है, ये तो बहुत पुरानी बात है। शायद तुम भूल गए हमारे पास ये है। मैं तो भूल ही गया था, हमारे पास तो टाइम मशीन है। जिस दिन नॉनजन जा रही थी पुरानी यादें ताजा हो गई। काश यहाँ नॉनचैन हो। वो वहाँ पर है। नॉनचैन, आज तुम्हारे दादाजी आने वाले हैं, तुम तैयार तो हो ना? लेकिन जाने से पहले मुझे नोबिता को गुड बाय कहना है। ऐसा नहीं हो सकता, वो भी स्कूल गया होगा ना? इतने दिनों बाद मिलकर अच्छा लग रहा है। लेकिन आप कौन हो भैया? क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ नॉनचैन? ये गलत है नोबिता, ऐसा मत करो। तुम कौन हो? उसे सिर्फ अपना बचपन वाला दोस्त नोबिता याद है। अचानक तुम ऐसे उसके सामने आ गए तो वो कैसे पहचानेगी तुम्हें? अरे हाँ, अब क्या करें? अरे हाँ। टाइम रैपिंग क्लॉथ। इसमें खुद को ढकने से तुम समय में पीछे चले जाओगे। नॉनचैन, नोबिता, तुम मेरे लिए आए हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं तुम्हें ये वापस देने आया हूँ। माफ करना नॉनचैन, मैंने तुम्हें परेशान किया। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गए। नॉनचैन, अरे हाँ, नॉनचैन, ये रहे तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स, तुम इसे जहाज में खा लेना। शुक्रिया नोबिता। नोबिता, क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम फिक्र मत करना, दर्द दर्द, उड़ जाओ। देखा तुमने, अभी भी दर्द हो रहा है। हाँ, अब दर्द नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब अपने पास रखो। इन्हें देखकर मुझे तुम्हारी याद आएगी। क्या हम फिर से एक बार घर घर खेले नोबिता? हाँ ठीक है। हमेशा हमारा ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं है, शुक्रिया तो हमें आपको कहना चाहिए नोबिता के साथ रहने के लिए। ठीक है, तो अब हमें चलना चाहिए। बाय बाय। Thank you.
आखिरकार मैं अब बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। इसे देखकर नॉनचैन की याद आएगी, पर मैं उसके लिए खुश हूँ। नोबिता, तुम्हारी सफाई खत्म हो गई ना? अरे नहीं, तुम ये और कूड़ा कहाँ से उठा कर ले आए? प्लीज ऐसा मत कीजिए मॉम। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और एक बात सब्सक्राइब करके जाया करो। आप सब्सक्राइब नहीं करते, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।